मैं भारत की बेटी। 2014 में जब मैं 10 साल की थी तब मैंने टीवी पर देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकार पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू होते हुए। बेचारी गांव की माँ बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। क्या हमारी माँ बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? मैंने देखा मेरे देश को स्वच्छता का बीज बोते हुए पूज्य बापू का सपना संजोते हुए। मैंने देखा सड़कों से कूड़े का ढेर गायब होते हुए। फिर मैंने देखा मोदी जी को स्वच्छता को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हुए। मैंने देखा घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां आने लगी है। मैंने देखा गांव में भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट अलग करने के लिए फैक्ट्रियां बन चुकी है। मैंने देखा घर घर से बीमारियों को जाते हुए। पता चला प्लास्टिक को ना कहना ये भी स्वच्छता है। गीला कचरा हरे और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना ये भी स्वच्छता है। मैंने देखा स्वच्छता को जन सेवा बनते हुए। मैंने देखा स्वच्छता को जन आंदोलन बनते हुए। मैंने देखा सफाई करने वालों का सम्मान बढ़ते हुए। मैंने देखा गांव और शहरों को स्वच्छता की स्पर्धा करते हुए। मैंने देखा प्लास्टिक से सड़क बनते हुए। मुझे लगा था ये अभियान है सिर्फ देश को स्वच्छ करने की, लेकिन मैंने देखा ये तो मुहिम है पर्यावरण को भी पुनर्जीवित करने की। ये तो सुविधा है गोबर से ईंधन बनाने की। आज मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। आज मेरा अपना स्टार्टअप है, जानते हैं क्या, वेस्ट मैनेजमेंट का। और मैंने मेरे देश को देखा है मेरे जैसे सैकड़ों स्टार्टअप्स को सपोर्ट और फंड करते हुए। 10 साल में मैंने भारत को बदलते हुए देखा है, स्वच्छ भारत बनते हुए देखा है। 10 साल में हमने सभी गांव और शहर खुले में शौच से मुक्त बनाए हैं। 70% गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और 85% गांवों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करा चुके हैं। शहरों में भी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता को 18% से 78% तक बढ़ाया है। देश में 5000 से ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप खुले हैं। हजारों महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट से वेल्थ बनाकर देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। गोबर धन से ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदल रहे हैं। एक एक कदम चलकर आज हम स्वच्छता को आदत बना चुके हैं और स्वच्छ भारत का सपना जो गांधी जी ने देखा था उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मिशन बनाकर चल रहे हैं। हाँ भैया, हम तो यही स्वच्छता वाली जनरेशन है, यही धुन सुनकर बड़े हुए हैं। हमने बचपन से खुद प्रधानमंत्री को सड़क पर सफाई में जुटते हुए देखा है, हम पीछे नहीं हट सकते। स्वच्छ भारत की बुनियाद पर बढ़ते हुए विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद।